अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह नवाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्लैनेट। सो आज का वीडियोस ना कोई ब्लॉग है और ना ही कोई मतलब इस तरह का वीडियोस है। आज का ये वीडियो हक की बात है, क्योंकि अभी आज की डेट में जो सिचुएशन हमारे देश में चल रहा है, हर मुसलमान के लिए अपना आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में अभी एक सिचुएशन चल रहा है कि मस्जिद में अजान को बैन करने के लिए बोला जा रहा है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है भगवाधारी चमचे और भगवाधारी गुंडे जो भी है इनके पीछे लगा हुआ है। कई जगह में तो वैसा किया गया है कि मस्जिद के सामने भगवाधारी गुंडे खड़े हो गए और वहाँ पे माइक जाके गाना जो है शुरू कर रहा है, मस्जिद के ऊपर खड़ा हो गया है, डांसिंग कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है? क्या हिंदू धर्म में ऐसा है? मुझे तो कभी नहीं लगा था कि ऐसा होता है हिंदू धर्म। आज पुलिस के सामने ये लोग खड़ा होता है और पुलिस के सामने खड़ा होके ये सब सारे चीज करता है, पुलिस चुपचाप देखता है। एक कम्युनिटी के ऊपर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है, उसे भला बुरा कहा जाता है। कभी बोलते हो हिजाब नहीं पहनो, कभी बोलते हो अजान बंद करो, कभी कुछ और बोलते रहते हो। अरे तुम लोगों को कोई काम धंधा है कि नहीं? देश चलाना तो आता नहीं है तुम लोगों को? जब से गद्दा में बैठे हो, देश का तो डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, देश चला गया है पता नहीं कहाँ पे। आज महंगाई इतना बढ़ गया है, समझ में नहीं आता है लोग गरीब लोग क्या खाएगा, उसका कोई ठीक ठिकाना है नहीं। और मुस्लिम के पीछे पड़े हो, हिंदू मुसलमान किए जा रहे हो, तुम लोग के पास सर मुद्दा है क्या? अगर तुम लोग से नहीं होता है, नहीं चलता है, तो दे दो 6 महीने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, 6 महीने के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं दिखा दूंगा 6 महीना में कैसे देश चलाना चाहिए, वो बता दूंगा, सीख लो मुझसे, ठीक है? कभी मैंने कभी इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस तो है नहीं, और ना ही मैं कोई एमपी हूँ, कोई एमएलए हूँ, ठीक है? फिर भी इंशाल्लाह तुम लोगों से अच्छा मैं देश चला लूँगा, मैं कॉन्फिडेंट के साथ मैं बोलता हूँ। और कभी एक मॉब लिंचिंग हुआ ना तो देख लेना, ठीक है? अरे यार तुम लोग हिजड़ो, हिजड़ो भी अच्छा है यार, तुम लोग पता नहीं कौन सा क्या हो, मुझे समझ में नहीं आता है। एक आदमी को पकड़ के, चार चार आदमी पकड़ के उसको बोलते हो जय श्री राम बोलो, उसको मारते हो, पीटते हो। हाँ, ये कहाँ की बहादुरी है भाई? आज 40 लाख से ज़्यादा मुसलमान कंट्री में हिंदू रहते हैं, 40 लाख हिंदू इंडोनेशिया में रहता है, 19 लाख हिंदू मलेशिया में रहता है। कभी एक क्लिप दिखा दो इस तरह का मॉब लिंचिंग का हुआ है? नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आज कभी वो आवाज़ उठाते हो हिजाब के लिए कि हिजाब नहीं पहन सकते? अरे हमारे बहन लोग अगर हिजाब पहनते तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमारा राइट्स है, और हमारे हिंदुस्तान की संविधान ने ये राइट्स दिया है। तुम लोग कौन होते हो गए बोलने वाले? हाँ, चमचागिरी करते हो। और ये सुधीर चौधरी, जो जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी, ये बंगाल में कुछ होता है तो उस दिखाता है कि ये हो रहा है बंगाल में, वो हो रहा है बंगाल में, ये हो रहा है। अबे सुधीर चौधरी, तुझे दिखता नहीं क्या? अभी अभी नहीं दिखता है कि आज जो है मुस्लिम के ऊपर टॉर्चर हो रहा है? इनके ऊपर इसका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, इनको सिर्फ दिखता है कि मुसलमान क्या कर रहा है। तो ये लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों आज मैं सबको बोल रहा हूँ, आवाज़ उठाएं, चुपचाप ना बैठे रहें, सिचुएशन बहुत ख़राब होते जा रहा है, दिन ब दिन और सिचुएशन ख़राब होगा, ठीक है? और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ जो है इन कमीनों तक पहुँच जाए। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी के माइकल आल से मैं नहीं डरता हूँ। तो मेरे वीडियो को जितना चाहे शेयर करें ताकि इन कमीनों के पास पहुँच जाए, देखते हैं क्या उखाड़ते हैं ये लोग। अल्लाह हाफिज़।